दरभंगा शहर पर उपद्रवियों की नजर, पूरा प्रशासनिक महकमा अलर्ट पर। पर्व को लेकर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी मात्रा में पुलिस बल के साथ निकला आज फ्लैग मार्च। जी हां, दरभंगा शहर में रामनवमी सहित कई पर्व को देखते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर जिला प्रशासन की ओर से आज शाम लहरियासराय स्थित पुलिस लाइन से फ्लैग मार्च निकाली गई, जहाँ इस फ्लैग मार्च में शामिल सिटी एसपी सागर कुमार झा, सदर एसडीपीओ स्पर्श गुप्ता, सदर डीएसपी अमित कुमार सहित लहरियासराय थाना, विश्वविद्यालय थाना, मब्बी थाना, बेता ओपी थाना एवं कई थानों के थाना अध्यक्ष के साथ भारी संख्या में पुलिस के जवान ने भाग लिया। वहीं यह फ्लैग मार्च शहर के बाकरगंज, दारू भट्टी चौक, बम्बारी, रामगंज, उर्दू बाजार, किलाघाट, दरभंगा टावर होते हुए विभिन्न जगहों से गुजरी। वहीं पर्व त्योहार को लेकर असामाजिक तत्वों में डर एवं लोगों में भय मुक्त वातावरण में अमन शांति के साथ पर मनाने को लेकर यह फ्लैग मार्च निकाली गई। आगे देखिए दरभंगा की सिटी एसपी ने इसको लेकर क्या कहा है। रामनवमी एवं रमजान के अवसर पर यह फ्लैग मार्च जो है दरभंगा शहर के जितने भी संवेदनशील स्थल हैं उनसे निकाला जा रहा है। जो भी जुलूस का जो प्रस्तावित मार्ग है उसमें हम लोग जो है वो पैदल भ्रमण कर रहे हैं। यह एक संदेश है जितने भी असामाजिक तत्व हैं कि उन पर जो है वो पुलिस की नज़र है, एवं दरभंगा जिला के वासियों के लिए यह संदेश है कि वो लोग शांतिपूर्वक ढंग से जो है हर्ष एवं उल्लास के साथ जो है इस पर्व को मनाएं, क्योंकि हम लोगों के पास बाहर से भी जो है बल उपलब्ध हुआ है तो उनके लिए एरिया फेमिलियराइजेशन का भी एक्सरसाइज। किस तरह का निगरानी रहेगा पूरे शहर में उस दिन, खासकर रामनवमी के दिन काफ़ी संख्या में लोग भी आते हैं, किस तरह की तैयारी है इसमें? देखिए, जो भी पूर्व के सांप्रदायिक केसेस में जो अभियुक्त थे उन पर 107 एवं जो अन्य प्रिवेंटिव एक्शन है वो लिया गया है, और जो अफवाह फैलाने वाले लोग हैं चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से क्यों ना हो उस पर भी जो है पुलिस प्रशासन की जो है संपूर्ण निगरानी है। असामाजिक तत्वों पर भी रहेगा बता दिया गया है, असामाजिक तत्वों पर जो है प्रिवेंटिव एक्शन हम लोग ले रहे हैं, और थाना स्तर से भी जो है आलोचना संकलन की जा रही है किसी प्रकार का जो है असुविधा जो है। थैंक यू।